हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल की कॉलर स्क्रीन पे फुल फोटो को कैसे सेट करोगे। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग फोटो सेट कर लेते हैं बट उनका जो फोटो है फुल स्क्रीन पे नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दो बहुत ही कमाल की इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जो दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अपने दूसरे फ़ोन से कॉल करके दिखाता हूँ। अभी मैंने फुल कॉलर स्क्रीन पर फोटो को सेट किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने इस फोन से कर दिया है और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पूरी फुल कॉलर स्क्रीन पे फुल फोटो आ रहा है, ठीक है। काफी यूनिक है और इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने फोन की कॉलर स्क्रीन पे फुल फोटो को सेट कर पाओगे। अभी दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से देखना है जिससे दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में डायलर पैड को ओपन करोगे। डायलर पैड को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉल बैक ग्राउंड, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले जो सेटिंग है वो करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लेआउट का, ठीक है। तो आपके फोन में ये वाला सेट होगा, इससे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इससे दोस्तों आपके फोन में जो भी फोटो आप सेट करोगे तो वो इस तरीके से यहाँ पे ये जो गोल सर्किल है आपके बीच में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको लेआउट में जाना है और ये साइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिससे दोस्तों आपका जो फोटो है पूरा अच्छे से दिखेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाता है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कुछ इस तरीके का वीडियो वाली कॉलर स्क्रीन रखना तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये भी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वीडियो वाली रखना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन को कोई गाना यहाँ पे सेट करना चाहते हो, कोई भजन सेट करना चाहते हो या खुद का कोई रिकॉर्ड करा हुआ वीडियो सेट करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो वीडियो है मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने एक वीडियो को रिकॉर्ड करा है तो मैं यहाँ पे वीडियो सेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ फोटो सेट करके। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे फोटो दिख रहा है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो जैसा आप रखना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे सेट कॉल बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ जिससे दोस्तों आपको यकीन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस दूसरे वाले फोन से फोन करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे फोन का जो कॉलर स्क्रीन बैकग्राउंड है या फिर कॉलर स्क्रीन फोटो है वो चेंज हो गया है। और इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में कॉलर स्क्रीन पे फोटो को सेट कर सकते हो। तो ये जो सेटिंग है मैं आपको सैमसंग के मोबाइल में बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई अदर कंपनी का मोबाइल है तो उसमें अलग हो सकती है, तो आप अपने मोबाइल में देख लो। अगर नहीं मिलती है तो कमेंट करके बताओ, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। तो मैं मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।